हेलो फ्रेंड्स, दोस्तों देखिए आज के टॉपिक है चार्ज ऑन डाइपोल। मींस अगर आप किसी इलेक्ट्रिक डाइपोल को आपकी इलेक्ट्रिक डाइपोल नीचे, देखिए पिछले लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि इलेक्ट्रिक डाइपोल क्या होता है। इसमें दो चार्ज होते हैं, एक प्लस क्यू एक माइनस क्यू, और उनके बीच में जो सेपरेशन है वो 2L लिया जाता है हमेशा। ओके, तो एक डाइपोल है हमारे पास प्लस क्यू माइनस क्यू, उसके दो चार्ज हैं। इस डाइपोल की डायरेक्शन मैंने आपको पढ़ाई थी माइनस से प्लस, तो इसकी डायरेक्शन हो गई माइनस से प्लस, और ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है राइट साइड, एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है ई। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड ई में आपने इस डाइपोल को रख दिया, यू प्लेस्ड ए डाइपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ई। अब देखिए यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होती है। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसी फील्ड होती है जो हर जगह एट ईच एंड एवरी पॉइंट सेम मैग्नीट्यूड रखे, यानी उसका मैग्नीट्यूड हर जगह सेम हो, उसकी डायरेक्शन भी हर जगह सेम हो। तो इस इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड इस पॉइंट पर भी ई है, इस पॉइंट पर भी ई है, डायरेक्शन इस पॉइंट पे भी राइट साइड है इलेक्ट्रिक फील्ड, और इस पॉइंट पे भी राइट साइड है, यानी हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है और मैग्नीट्यूड उसका ई। और इस इलेक्ट्रिक फील्ड में आपने डाइपोल रख दिया, डाइपोल इस तरह से रखा है कि इसका माइनस से प्लस यानी जो इसकी डायरेक्शन होती है वो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन से थीटा एंगल बना रहा है, यानी द डाइपोल इज मेकिंग एंगल थीटा विद द डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। तो ये डाइपोल अब एक टॉर्क महसूस करेगा। देखिए टॉर्क क्या होता है, अगर किसी ऑब्जेक्ट पर ये टॉर्क क्या होता है, टॉर्क को आप ऐसे समझिए, अगर किसी ऑब्जेक्ट में रोटेशनल नेचर है, अगर वो रोटेट करना चाहता है, जैसे पहले रुका हुआ था और फिर रोटेट करने लगा, तो आप समझ जाइए कि उस पर कुछ टॉर्क लगा। बिना टॉर्क के ऑब्जेक्ट रोटेट करना स्टार्ट नहीं करता। ओके, तो जब आप इस डायपोल को रखोगे इस इलेक्ट्रिक फील्ड में तो इस पर टॉर्क लगेगा, यानी आप ये डायपोल रोटेट करना चाहेगा। तो देखते हैं क्यों रोटेट करना चाहेगा और इस पे क्या क्या फोर्सेस लगेंगे। देखिए ये प्लस क्यू चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड राइट साइड है, तो जब आप इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी पॉजिटिव चार्ज को रखते हैं तो उस पर जो फोर्स लगता है, द फोर्स ऑन पॉजिटिव चार्ज इनसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज इन द डायरेक्शन ऑफ फील्ड, यानी पॉजिटिव चार्ज पर फोर्स फील्ड की डायरेक्शन में लगता है। तो इस पर फोर्स लगेगा राइट साइड, मान लीजिए F, और फोर्स की वैल्यू आप क्या होते हैं QE, फोर्स इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ चार्ज एंड इलेक्ट्रिक फील्ड। नेगेटिव चार्ज पर फोर्स लगता है इन द अपोजिट डायरेक्शन ऑफ फील्ड, और ये चार्ज भी होगा QE। तो अगर आप ध्यान दीजिए ये रॉड है, मान लीजिए एक रॉड है और इस पे फोर्स राइट साइड लगता है, इस पर लेफ्ट, तो आप क्या करेंगे, ये रॉड आप ऐसे घूम जाएंगे, इस रॉड में अपनी रोटेशनल नेचर आ जाएगा, यानी इस पे टॉर्क लगा जो पहले रॉड रुकी थी और अब ये घूमने लगी, तो इसमें एक रोटेशनल नेचर आया, और रोटेशनल नेचर आने का मतलब इस पर एक टॉर्क लगा। अब देखते हैं टॉर्क कितना है, इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन और इस फोर्स की लाइन ऑफ एक्शन को आगे पीछे एक्सटेंड करिए और इनके बीच का परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉल्व करिए, दोनों फोर्स की जो लाइन ऑफ एक्शन है इनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस सॉल्व करते हैं। तो ये देखिए परपेंडिकुलर है, आप जानते हैं डायपोल की टोटल लेंथ होती है 2L, यानी यहां से यहां तक की डिस्टेंस है 2L, ये एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये वाला एंगल थीटा है तो ये भी थीटा होगा, ये 2L है, तो आप क्या करेंगे ये वाली डिस्टेंस आएगी 2L sin थीटा,
राइट की ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी है ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस आएगी 2x sin थीटा। अब इसको सॉल्व करते हैं sin थीटा इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय डायरेक्ट यूज ये पता कितना है ये पता है 2 तो ये डिस्टेंस आएगी 2x sin थीटा। तो अगर आपको दोनों फोर्स सुलग हैं उनके बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस पता है तो टॉर्क का फार्मूला होता है टॉर्क इज डिफाइंड एज प्रोडक्ट ऑफ फोर्स एंड परपेंडिकुलर डिस्टेंस व्हिच इज 2x sin थीटा and the value of force is QE, the value of force is QE into 2L sin theta, Q into 2L is dipole moment, so torque is PE sin theta, torque is PE sin theta, अगर आप इसको वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें, तो torque in vector form is P vector cross E vector, P vector, P vector जो इधर है minus से plus, E vector जो right side है, उनका cross product कर देंगे, तो आपको torque vector मिल जाएगा, okay? तो torque की value sin theta के proportional है, तो अगर ये theta zero हुआ, तो torque आएगा zero, अगर ये theta 180 हुआ, sin 180 is also zero. तो ये टॉर्क जीरो आएगा और इस थीटा 90 डिग्री हुआ तो साइन 90 डिग्री इज 1 एंड 1 इज द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ साइन साइन फंक्शन की मैक्सिमम वैल्यू 1 होती है तो टॉर्क बनने वाला मैक्सिमम टॉर्क होगा टॉर्क मैक्सिमम दैट विल बी पीई मैक्सिमम टॉर्क हैज वैल्यू पीई और जो टॉर्क की डायरेक्शन होगी वो पी क्रॉसिंग होगी यानी कि आप पी वेक्टर से क्यों हुआ है राइट हैंड से अगर आप पी की ओर जाते हुए ई की ओर हुआ है तो इसमें इस वक्त इस डायग्राम में टॉर्क की डायरेक्शन इनवर्ड है टॉर्क इज डायरेक्टेड इनवर्ड मींस माइनस जेड एक्सिस। ओके फ्रेंड्स तो ये हमने पढ़ा टॉर्क और डाइपोल। अब हमको पढ़ना है डाइपोल के कारण एक्सियल और इक्विटोरियल लाइन पर इलेक्ट्रिक फील्ड जो अगले लेक्चर पर पढ़ेंगे और इसमें एसएचएम के बहुत न्यूमेरिकल हैं टॉर्क और डाइपोल के ऊपर बेस्ड एसएचएम से रिलेटेड बहुत सवाल आते हैं तो उसको लगाएंगे अगले वीडियो में। ओके थैंक्स फ्रेंड्स।